जी सर, सुने सीमांचल के अंदर जो अभी इलेक्शन लड़ने वाले हैं 2019 का जनरल इलेक्शन, तो आप लोगों का मैनिफेस्टो सुने हैं बन रहा है, और मैनिफेस्टो में ख़ास करके आपने युवाओं के लिए क्या दिया है? हम सीमांचल के तमाम आवाम से, खासकर किशनगंज के आवाम से मुद्दमाना अपील और गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार लड़ाई सीमांचल की है, इस बार लड़ाई किशनगंज की, किशनगंज को इंसाफ दिलाने की है। किशनगंज को जितना इंसाफ मिले, किशनगंज को सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कितने पैकेज मिले, ये हमारी लड़ाई है। बार बार हमने भाजपा हराओ, कांग्रेस जिताओ, इसको हराओ, इसको जिताओ पे लगे हुए थे, लेकिन इस बार ये लड़ाई सीमांचल की है, इस बार ये लड़ाई किशनगंज की है, ये लड़ाई पुटिया की है, छतरगाछ की है, ठाकुरगंज, दगरुआ, रौटा, अमोर, बैसी, टेरागाज, बहादुरगंज, कोचादामन, नटवापारा, माधो, चुरली, डी मार्ट, ये तमाम जो किशनगंज पार्लियामेंट्री सेगमेंट के जगह है, ये तमाम लोगों की लड़ाई है। और ये लड़ाई इस बार इंशाअल्लाह ताला हम आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि सीमांचल का यही किशनगंज का ये जो फोर लेन है, उससे आप देखते हैं हजारों की तादाद में ट्रक जा रहा है, आसाम जा रहा है, गुवाहाटी, कमकिया जा रहा है, उसके बाद आगे दूसरे स्टेट्स में जा रहा है, लेकिन किशनगंज को क्या मिला, सीमांचल को क्या मिला? मैं तमाम नौजवानों से, तमाम यहाँ पे दो कॉलेज हैं, सिर्फ दो कॉलेज पूरे जिला में, 18 लाख से ऊपर की आबादी, दो कॉलेज है, एक नेहरू कॉलेज, एक मारवाड़ी कॉलेज। आप देखिएगा पटना में चार चार मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी है, PMCH, NMCH, एम्स भी वहीं खुलता है, लेकिन आपके सीमांचल में क्या है, आपके किशनगंज में क्या है? पटना में मगध यूनिवर्सिटी का भी वो है, पटना यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बगल में है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेरे सीमांचल को क्या? ये सवाल बहुत अहम है। तो मैं सीमांचल के नौजवानों से मुद्दमाना अपील कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये सब मसाइल, आपको सीमांचल को, आप किशनगंज में क्या चाहते हैं आप बतलाइए। यहाँ ना एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ना आपके यहाँ कोई ऐसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। यहाँ पर इतनी अच्छी चाय पत्ती की खेती हो रही है, केला की खेती हो रही है, तरबूजा की खेती हो रही है, टमाटर की खेती हो रही है, आप देखे होंगे उससे आगे बढ़िएगा अनानास की ठाकुरगंज साइड में खेती हो रही है, लेकिन क्या है ना, सरकार के तरफ से कहाँ है टी कॉफी बोर्ड, कहाँ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोसेसिंग यूनिट, कहाँ है वो सरकार की तरफ से वो अनुदान जो अनानास के खेत किसानों को मिले, टमाटर खेती करने वाले किसानों को मिले, तरबूज खेती करने वाले किसानों को मिले, केला के जो किसान है उसको मिले। तो तमाम जो है, चाहे किशनगंज ब्लॉक हो, पुटिया ब्लॉक हो, टेरागाछ हो, बहादुरगंज हो, ठाकुरगंज हो, आपका दिगल बैंक हो, बायसी हो, रोटा बैसा हो, अमोर हो, दिगल बैंक हो, और डगरुआ हो, ये जो 11 प्रखंड है, नौजवानों से मुद्दमाना अपील, इंटेलेक्चुअल से जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो एडवोकेट हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, लीगल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, जो रिटायर्ड टीचर हैं, जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो लेक्चरर हैं, जो डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तमाम प्रोफेशनल कोर्स से, जो या किसान भाई जो मेरे हैं, उनको क्या लगता है कि उनके मैनिफेस्टो में उनका किशनगंज कैसा हो, उनका सीमांचल कैसा हो? तो मैं आप लोग से, आपके माध्यम से, सभी से मुद्दमाना अपील कि MIM ऑफिस 24 घंटा आपके लिए खुली है, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप लिखित तौर पे अपना नाम यहाँ दर्ज करा सकते हैं ऑफिस में। ऑफिस मेरे ऑफिस इंचार्ज है वासिस साहब, उनको आप लिख के दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमारे मैनिफेस्टो में हो। MIM आपको क्या दे सीमांचल में, आपको अख्तरुल ईमान साहब की क्यादत से आपको क्या तलब है? अच्छे रोड होने चाहिए, ये हमारा प्राइमरी रहेगा, अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, हमारे इस मदरसा में कंप्यूटर होना चाहिए, हमारे लेबोरेटरी में सिर्फ नीतीश जी की तरह लेबोरेटरी में सामान्य एपरेटस नहीं होना चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट भी होना चाहिए, हमारा ठाकुरगंज में तुलसिया घाट में वो जो छात्रावास है वो भी फंक्शनल होना चाहिए, और यहाँ के जो इलाकाई लोगों को रोज़गार में नौकरी मिले, SSC, BPSC, UPSC, ये जो नौकरियाँ होती है उसमें यहाँ के लोगों को तैयारी के लिए सेंटर मिले, यहाँ के कंप्यूटर एडुकेशन को अपलिफ्टमेंट हो, लिटरेसी को, तालीम को कैसे बढ़ाया जाए ये हो। तो तमाम नौजवानों से, सभी से मुद्दमाना गुजारिश, अपील है कि आप यहाँ पर मेरी MIM की ऑफिस में और अख्तरुल ईमान फेसबुक में पेज पर या अख्तरुल ईमान साहब के ID में भेज सकते हैं, या मेरे भी ID में आदिल हसन आज़ाद MIM यूथ प्रेसिडेंट में भेज सकते हैं, या हमारे ऑफिस में भी, दफ्तर में आप दे सकते हैं।
और आप आदिल AADIL आदिल HASAN हसन LAW लॉ आदिल हसन लॉ @gmail.com पर भी आप अपने ड्रीम, आपका सपना का किशनगंज, सपने का सीमांचल जो है वो आप भेज सकते हैं। और हमेशा हम लोग आपके लिए कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या है, आपके जो मसाइल है, उसको हम अपने मैनिफेस्टो में डालें। और सीमांचल की हम लड़ाई और किशनगंज की लड़ाई अक्सर उलीमान साहब के क्यादत में बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी जैसी बुलंद शख्सियत के साथ सीमांचल की लड़ाई हम लड़ाई।